Hello friends, this is Raif Sharma and I welcome you on my channel Raif Sharma Show. So my dear friends, today we talk about a new word that is called APPROACH. Approach. This word is approach. What do you mean by approach? अप्रोच का मतलब होता है जब कोई चीज टाइम और डिस्टेंस में कम हो रहा है इसलिए अगर करीब आ रही है वो चीज अपनी जगह टाइम उसका कम हो रहा है डिस्टेंस का कम हो रहा है तब वो चीज आप उसके बड़ी अप्रोच कर रहे हैं जैसे कि नाउ योर एग्जाम्स आर ऑन 17th January राइट अब मान लीजिए आपके एग्जाम आ रहे हैं वो भी 17th January को अब नाउ जस्ट इमेजिन क्या ऐसा होगा एग्जाम्स की जो डेट है वो किसे करिए 17 की जगह 16 आ गई 16 की जगह 15 आ गई 15 की जगह 14 नो एग्जाम्स आर ऑन 17 मगर उसके दिन कम होते जा रहे हैं राइट हम उस तक करीब तो आ रहे हैं मगर किस वे में टाइम ग्रुप में तो जब कोई चीज अपनी जगह से हिल नहीं रही है वो वहीं पर उसी तारीख उसी दिन पर है मगर समय कम होता जा रहा है इसलिए वो करीब आती जा रही है तो हम बोलते हैं अप्रोच क्या बोलते हैं अप्रोच जैसे कि माय एग्जाम्स आर अप्रोचिंग मेरे एग्जाम्स करीब आ रहे अब क्यों कोई एग्जाम्स की डेट है 17th राइट आज तारीख है मान लीजिए 27th December अब 28th आएगी फिर 29th आएगी फिर 1st January आएगी फिर 2nd January आएगी अब एग्जाम की डेट वही है 17th मतलब और समय कम होता जा रहा है राइट इट इज नॉट मूविंग डेट इज नॉट मूविंग एट ऑल वो वहीं पर ही है तो जब भी कोई भी चीज समय के लिहाज से आपके करीब पहुंच रही है समय घटता जा रहा है दैट इज ऑन द सेम डेट बट समय घटता जा रहा है और आपसे करीब पहुंचते जा रहे हैं समय कभी कम होता जा रहा है तो आप बोलते हैं अप्रोच जैसे माय एग्जाम्स आर अप्रोचिंग द सेम वे अब क्या रहा सबसे करीब में क्या रहा हमारे न्यू ईयर राइट तो आज 28 है दिसंबर 3 दिन के बाद न्यू ईयर आ जाएगा अब जाहिर सी बात है न्यू ईयर तो फर्स्ट को रहेगा ये तो है नहीं 31 को आ जाएगा 30 को आ जाएगा किसी के वो तो फर्स्ट को रहेगा मगर क्या हो रहा है डे इज रिड्यूसिंग द डे इज रिड्यूसिंग आज का दिन कम हो जाएगा फिर 2 दिन बचेंगे फिर 29 बच जाएगी फिर 1 दिन बचेगा लाइक दिस वे सो तो हम बोलेंगे न्यू ईयर इज अप्रोचिंग क्या बोला जाएगा न्यू ईयर इज अप्रोचिंग ऐसी कई बार कहते हैं मेरा बर्थडे आ रहा है अब आपका बर्थडे मान लीजिए 18 मार्च का है अभी 20 दिन बचे हैं 2 महीने बचे हैं राइट अब 18 मार्च को लेगा बर्थडे वो तो किसी की नहीं डेट ना आज होगी ना पीछे होगी बट समय कम होगा कि नहीं होगा अभी 2 दिन बीतेंगे फिर 4 दिन बीतेंगे फिर 10 दिन बीतेंगे फिर 1 महीना बीत जाएगा फिर 1.5 महीना बीत जाएगा ऐसे करते करते अभी 90 दिन बचे हैं फिर 30 दिन बचेंगे फिर 25 दिन बचेंगे फिर 20 दिन बचेंगे राइट तो हम बोलेंगे माई बर्थडे इज अप्रोचिंग यानी मेरा बर्थडे आ रहा है माई बर्थडे इज अप्रोचिंग तो मेरा बर्थडे आ रहा है दिवाली इज अप्रोचिंग क्यों कहा जा रहा है क्योंकि दिन घट रहे हैं समय घट रहा है इसलिए वो चीज करीब आ रही है दैट इज नॉट मूविंग वो उठ के वहां से नहीं खिसक रही है राइट क्योंकि समय कम होता जा रहा है तो इसलिए वो आपको अप्रोच कर रही है तो दिवाली इज अप्रोचिंग 15th August इज अप्रोचिंग राइट माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग माई वेडिंग इज अप्रोचिंग तो जो भी चीज का डेट डिसाइड है और वो अब समय आ रहा है समय कम होता जा रहा है उस तक पहुंचने का तो आप बोलेंगे That thing is approaching. अभी सबसे लेटेस्ट क्या है न्यू ईयर इज अप्रोचिंग राइट सो दिस इज द वीडियो ऑफ अप्रोच नाउ लेट्स गो अहेड फॉर अनदर एग्जांपल ऑफ अप्रोच प्लीज शेयर इट लाइक इट कमेंट इट एंड सब्सक्राइब इट